दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पहला वनडे मैच जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों सीरीज के पहले वनडे मुकाबले के लिए द्रविड़ ने उस टीम का ऐलान कर दिया है जो 11 खिलाड़ी हमें मैदान में कंगारुओं से भिड़ते नजर आएंगे। लेकिन आखिरकार इस पहले वनडे मैच में किसे जगह मिलेगी, किसे बाहर का रास्ता दिखाया गया है, कौन है द्रविड़ की इस प्लेइंग 11 फेवरेट लिस्ट में, दोस्तों आपको उनकी टीम दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस पहले वनडे मैच में किसे मौका मिलना चाहिए और किस खिलाड़ी को बाहर बिठाना चाहिए, नीचे कमेंट करके हमें उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट के बाद अब बारी है वनडे सीरीज को जीतने की। हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को किस कदर टेस्ट सीरीज में हराया है। और दोस्तों इतना नहीं, बोनस तो ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम WTC के फाइनल में भी पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों बहुत हुआ टेस्ट क्रिकेट और WTC की बातें, अब बात है वनडे सीरीज की। ये साल तो वैसे ही वनडे को समर्पित है, वनडे का विश्व कप भी खेला जाना है, इसीलिए दोस्तों वनडे की तैयारियां A1 होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो भारत का दौरा कर रही है वो दोस्तों अब 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत से आमना सामना करेगी, जिसकी शुरुआत इसी महीने की 17 तारीख से होगी। दोस्तों 17 मार्च से लेकर 21 मार्च यानी कि 3 दिन तक खेले जाएंगे ये 3 वनडे मैचेस। मुंबई के वानखेड़े मैदान से शुरू होकर दोस्तों ये सीरीज चली जाएगी चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम तक। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का मकसद एक ही रहेगा, इस सीरीज को जीतकर वनडे में अपनी धाक जमाना, इस बार विश्व कप जो जीतना है। इसीलिए दोस्तों तैयारियां तो अभी से दुरुस्त रखनी पड़ेगी और वनडे सीरीज में चुन चुन कर हमारे राहुल द्रविड़ उन्हें ला रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख देंगे इस बार। तो आखिरकार दोस्तों भारत की वनडे टीम नई नवेली कैसी नजर आएगी, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। दोस्तों कोच राहुल द्रविड़ अब नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऑफ लें, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम से छुट्टी पर नजर आए, खास तौर पर कप्तान साहब। इसीलिए दोस्तों कप्तानी तो रोहित शर्मा ही संभालेंगे और टीम की सलामी जोड़ी भी, यानी कि सलामी जोड़ी में हमें रोहित शर्मा नजर आने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक खिलाड़ी बाहर हो सकता है और उसका नाम है KL राहुल। दोस्तों शुभमन गिल की फॉर्म पिछले कुछ वक्त में बयान करके गई है कि वो क्या कुछ कारनामा कर सकते हैं, इस खिलाड़ी का क्लास ही अलग है। इसीलिए टीम की सलामी जोड़ी अगर इनके हाथों में दी गई तो भारत को नए वीरेंद्र सहवाग और सचिन जैसी जोड़ी भी मिल जाएगी। तो टीम की सलामी जोड़ी द्रविड़ की कोचिंग के अंदर अब तो यही संभालेंगे। बात अगर मिडिल ऑर्डर की करें तो वहां पर पूर्व कप्तान विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर जैसे धासु बैट्समैन ऑलरेडी विराजमान है। अब एक सवाल आता है कि क्या अय्यर की जगह KL राहुल को खिलाया जाएगा। दोस्तों ये इसका जवाब तो वक्त ही देने वाला है। लेकिन अगर विकेट कीपर की बात करें तो ईशान किशन हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारी टीम के लिए। तो वहीं ऑलराउंडर्स में दोस्तों 2 नाम आने वाले हैं, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। दोस्तों पांड्या को तो तारीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन जडेजा वनडे में कैसा परफॉर्म करेंगे बहुत बड़े अंतर के बाद ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। हाल फिलहाल में जड्डू 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच बने थे और ये दर्शाता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या संभालेंगे टीम की कमान ऑलराउंडिंग डिपार्टमेंट की। दोस्तों 9वां खिलाड़ी टीम में एक स्पिनर गेंदबाज होगा जो हो सकते हैं युजवेंद्र चहल या फिर कुलदीप यादव। इन दोनों में से एक को जगह मिलेगी क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की जगह मुश्किल है, 2 ऑलराउंडर ऑलरेडी हैं, तो शायद रोहित तीसरे को ना खिलाएं और युजी को मौका दें। तो वहीं तेज गेंदबाजी की कमान रहेगी 2 खिलाड़ियों के हाथों में जिनका नाम है सिराज और मोहम्मद शमी। दोस्तों बहुतों के मन में सवाल आएगा कि उमरान मलिक को मौका दिया जाए, लेकिन दोस्तों ये मत भूलिए कि सिराज और मोहम्मद शमी की जोड़ी विश्व कप के लिए तैयार की जा रही है। उमरान मलिक अभी भी एक बैकअप खिलाड़ी के तौर पर खेला जाएंगे। दोस्तों यही है भारत की प्लेइंग 11 पहले वनडे मैच के लिए और राहुल द्रविड़ इन्हीं 11 योद्धाओं के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को मैदान में उतारने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, उमरान मलिक को पहले वनडे मैच में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।